हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द अग्रवाल क्लासेस। तो आज बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक्चुअली आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ, दैट इज़ माय टाइट्रेशन। हम लोगों को क्लास 12 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन पे ही बेस्ड है, तो उसका पहले बेसिक बताएंगे, फिर हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट इज मीन बाय टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। सी व्हाट इज मीन बाय टाइट्रेशन, टू डिटरमाइन दी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग और रिएक्टिंग विद द सोल्यूशन ऑफ द नॉन कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं पता है, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है। सो आपके पास दो सॉल्यूशंस रहेंगे, एक का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहेगा क्योंकि वो आप खुद प्रिपेयर्ड किए रहेंगे, और एक का कॉन्सेंट्रेशन टीचर को पता रहेगा पर वो आपको मालूम करना है, टीचर आपको वो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो उसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन का सिंपल सा मतलब बोलूँ, रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट करना। दो सब्सटेंस, दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं और एक का कॉन्सेंट्रेशन पता होता है और दूसरा उसके थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। सिंपल सा मतलब ये है। ओके बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग टाइट्रेंड भी बोलते हैं, डी याद रखना, एंड जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको टाइट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, टी याद रखना। नाउ यहाँ पर है ना, दो टाइट्रेंड एंड टाइट्रेंड के बीच में एक्चुअली मैच हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, टाइट्रेंड वर्सेस टाइट्रेंड। टाइट्रेंड मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर करेंगे और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगा, एंड टाइट्रेंड, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन टीचर हमको फाइंड आउट करने बोलेगा, दैट इज माई अननोन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोगों को क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जिसमें हमको बोला गया है केमिनोफोर का मोलारिटी और उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो, ओके, बाय यूजिंग द ऑक्सैलिक एसिड। तो मैं आपको वही प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगी, दैट इज माई टाइट्रेंड। ओके, ना ऑक्सैलिक एसिड क्या है, देखो, टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2C2O4.2H2O, याद रखना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें होता ऐड होता है। अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड में खाली H2C2O4 लिया तो आपका रीडिंग पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, उसमें इंक्लूडेड टू मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड होता ही है, इस वजह से थोड़ा सा पाउडर गीला गीला टाइप दिखता है। ओके, सो मोलार मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 126 ग्राम पर मोल। अब मुझे इसका है ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1000 ml, 1 molar का 1000 ml में 126 ग्राम पर मोल होता है, तो 0.1 molar का 100 ml में हाउ मच। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। मैं यहाँ पर मास लूँगी, मतलब x मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, देखो 100 × 0.1 × क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 126 डिवाइडेड बाय क्या है 1000 × 1 molar, ठीक है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका कुछ आंसर आने वाला है 1.26 ग्राम पर मोल, और हमको यही निकालना है, ठीक है। अब मुझे वेट पता चल गया है कि मैं जब 100 ml के जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है उसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड लूँगी, 1.26 ग्राम, ठीक है, ये हमको निकालना। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, 1.26 ग्राम वेट लेंगे, वेट लेने के बाद देन उसको है ना वाटर में डिजोल्व करके स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं वो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइट्रेशन करने वाले हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एपरेटस के नाम बता रही थी जो हम लोग टाइट्रेशन में यूज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड माय ब्यूरेट, देखो इसे ब्यूरेट बोलते हैं। ये हम लोगों का यहाँ पर मेरे पास जो ब्यूरेट है वो 100 ml का है, ठीक है। यहाँ पर एक नोजल है जिससे ऑन ऑफ करके सोल्यूशन करते हैं, और देखो इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट किया जाता है। आप अभी जब टाइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो हम यहाँ पर ये ब्यूरेट को इस तरह लगाएंगे। आप चीज एक चीज नोटिस करोगे, इसमें रीडिंग्स दिए हुए, नंबर्स दिए हुए, ये अराउंड है ना 0 से लेकर 50 ml तक के, ठीक है। सो इसको यहाँ पर सेट करना है, और आप लोगों को ये नोजल ओपन ऑन ऑफ करके यहाँ से आप लोग है ना ड्रॉप वाइज केमिकल गिराओगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कॉल्ड माय फर्नल। अब
यहाँ पे देखो ये फनल है, ठीक है। अब ये ग्लास फनल में क्या होता है, हम जो सॉल्यूशन इस ब्यूरेट में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फनल, इस फनल से हम लोग वो सॉल्यूशन डालेंगे ताकि वो सॉल्यूशन इजीली इसमें ट्रांसफर हो जाए और उसका वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हम लोग ये हम यहाँ पे देखेंगे कॉनिकल फ्लास्क। मेरे पास जो कॉनिकल फ्लास्क है ये हमारा 150 ml का है, 100 ml का भी आता है, 200 ml का भी आता है, 250 ml का भी आता है, डिपेंड ऑन दैट प्रैक्टिकल, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा मेन ग्लासवेयर है, मेन अपैरेटस है जिसके थ्रू टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो यूनिट हमने यहाँ सेट किया है, यहाँ पर ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन मिलाकर इसको ऐसा स्टर करते हैं, ऐसा शेक करते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाए, ठीक है बच्चों। ओके नाउ अब यहाँ पर आप ये चीज नोटिस कर लोगे, यहाँ पर मैंने एक टाइल्स यूज किया है, दैट इज माई, यहाँ पर आप देखो व्हाइट कलर का टाइल्स है। क्या होता है ना बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर जरा भी माइनोर भी कलर चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट कलर, हमारे टाइट्रेशन इजिली हम लोग को जो कलर चेंजेस हो रहा है इजिली पता चल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, दैट इज माई स्टैंडर्ड फ्लास्क। मेरे पास जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है वो 100 ml का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर देखो मार्किंग की हुई है, ठीक है, इसका ओपन पार्ट है, यहाँ पर देखो मार्किंग की हुई है। नाउ इसमें हम लोग है ना सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होता है, एंड इसमें जो सॉल्यूशन डालते रहते हैं इसमें टीचर यानी टीचर इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों को पता नहीं होता, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों को पता होता है जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अप टू द मार्क तक यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग अगर इसी तो आप देख रहे होंगे, दैट इज माई टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब को केमिकल को यूज करने के लिए, एसिड्स वगैरह डालने के लिए इसका टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब है, ये मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये है ना 15 ml की है, 10 ml का भी आता है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब भी आता है, मेरे पास 15 ml का टेस्ट ट्यूब है, ओके। डिपेंड ऑन दैट कितना अमाउंट का केमिकल यूज करेंगे। ओके वन मोर थिंग, दैट इज माई ग्लास रॉड, ठीक है। एक्चुअली 2-in-1 है, यहाँ पर केमिकल को मिक्स करने के लिए इसको यहाँ से यूज करते हैं, लाइक इट इज एक्ट एज अ स्पैचुला, ठीक है। अभी मैं जो केमिकल यूज करूंगी वो है ना वेट मशीन में इसके थ्रू यूज करूंगी, दैट इज माई स्पैचुला, ठीक है। स्पैचुला बोलते हैं लोकल जबान में, इसको अपन स्पून भी बोल सकते हैं, ओके बच्चों स्पून बोलते हैं, आप लोगों को स्पैचुला याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर ये से हम लोग है ना, आप इसको देखेंगे ना, दैट इज माई पिपेट, इसमें दिया हुआ है 10 ml, ठीक है 10 ml का है। आप यहाँ पे देखोगे इसका बबल जैसा है, ओके। यहाँ पर हम है ना माउथ से सब करेंगे केमिकल को, माउथ से सब करना पड़ता है, ओके। स्लोली स्लोली करेंगे, जो ज्यादा स्पीड में किया ना तो केमिकल अंदर मुंह के अंदर भी जा सकता है, तो आप स्लोली करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करोगे सेम यहाँ पे भी मार्किंग दी हुई है, तो ये मार्किंग तक हम लोगों को केमिकल लेना है, यहाँ तक मेरा 10 ml का हो जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इसके थ्रू पता करेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन हमने इसमें प्रिपेयर किया है इसके थ्रू इससे लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये चीजें दिख रहा है, ओके। मैं डिस्टिल वाटर मैंने लिया है, ये बीकर में मेरा 250 ml का बीकर है, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर के थ्रू अगर मुझे इसके अंदर ये 100 ml मेंटेन करके करना, तो ड्रॉप वाइज मैं डालूंगी लास्ट का एंड में, वो उसके थ्रू इजीली ये है ना अपर मिनिस्कस तक। याद रखना अगर मेरा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, हम जो केमिकल प्रिपेयर कर रहे हैं अगर मेरा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है तो अपर मिनिस्कस देखेंगे, और अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कलर कंपाउंड है लाइक दिस वन, आप यहाँ पे केमिकल देख रहे होंगे, दैट इज माई केमिनोफोर, ओके। अगर मेरा कलर सॉल्यूशन है तो आप उसका लोअर मिनिस्कस देखेंगे, लोअर पार्ट टच होता है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल में ये चीज बताऊंगी, ठीक है। ऑल थिंग्स कवर्ड हो गई, हाँ दिस इज स्मॉल बीकर, ठीक है, 80 ml का बीकर है, इसमें हम लोग को डिसॉल्व करने के लिए केमिकल का यूज करेंगे, दैट इज माई वेट मशीन के थ्रू हम लोग केमिकल कितना अमाउंट यूज करने वाले हैं वो बताएंगे, एंड यस दिस इज माई यहाँ पर फिल्टर पेपर के थ्रू ना मैं यहाँ पर वो वेट अमाउंट केमिकल कंपाउंड इसमें यूज करूंगी, ठीक है। फिल्टर पेपर का यहाँ पर बहुत अलग अलग मेथड से यूज किया जाता है, फिलहाल हम यहाँ पर केमिकल को वेट मशीन इसके थ्रू लेंगे, ओके बच्चों सारे अपैरेटस हो गए। नाउ हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों को जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, हमको ऑक्सैलिक एसिड लेना है 1.26 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना ये वेट मशीन ऑन कर रही हूँ, सबसे पहले उसको या जीरो पे देखो, जैसे ऑन करोगे वो 0.00 दिखा रहा, आपको वहाँ पे रीडिंग दिख रही होगी, ओके। अब मैं यहाँ पर जैसे ही पेपर रख रही हूँ, फिल्टर पेपर रख रही हूँ, उसकी रीडिंग बढ़ गई, तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐड कर दो या फिर टेयर कर दो। मैं बच्चों को टेयर करना बताती हूँ, कोई जरूरत नहीं ऐड करने की, डायरेक्ट टेयर कर दो। मैंने आपको बताया था
1.26 ग्राम, मैं यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड ले रही हूँ 1.26 ग्राम, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड लेना है यहाँ से, केयरफुली करो, स्लोली स्टोर करो, नहीं तो एक्सेस अमाउंट में जाकर तो रेडी होना। चलो 1.28 अप्रोक्सीमेटली लेके चलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एयर वो है ना, एयर वो आ गया, ठीक है ना। देखो बच्चों हमने लिया, अब इसको स्मॉल बेकर में आप सबसे पहले इसको ट्रांसफर करो, प्रॉपरली इसको से ट्रांसफर करेंगे ताकि पूरे को पूरा अमाउंट उसमें चला जाए। होने के बाद अभी बीकर में हमें ट्रांसफर करेंगे, आप ये देख लो डिस्टिल्ड वाटर, स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करो, एंड हमारा ग्लास रॉड लिया, ठीक है। अब ग्लास रॉड से मैं इसको वॉश कर रही हूँ ना, ग्लास रॉड से आप इसको है ना मिक्स कर लो, मिक्स 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 करते रहना है जब तक इसके पार्टिकल पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, ओके। आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट पूरे इसके जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड के पूरे डिजॉल्व हो गए एंड इट बिकम द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट सी सी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमारा बन गया है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं जैसे इसको बताया था स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर फनल का यूज करो, स्टार्टिंग में करें तो कोई नहीं, फनल का यूज करेंगे, मैं फनल का यूज करके सीधे पर ट्रांस, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद अगेन इसमें आप है ना इस सॉल्यूशन को वापस इसको एक से दो बार रिंस करेंगे, रिंस करना जरूरी है अगर इनकेस इसकी वॉल पे, अगर इसकी वॉल पे कहीं भी रहा तो पूरे तरीके से उस तरीके से इसमें ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद आप देखो यहाँ पर मुझे देखो, मैंने आपको बताया था इसमें मार्किंग दिया हुआ है, मार्क पर सॉल्यूशन इसमें ट्रांसफर करेंगे, सी ओके स्टूडेंट, ओके। जैसे उसके पास आ जाएगा आप उसको निकालो, अब देखो अब हम लोग यहाँ पर बिकॉज ये एक्चुअली मार्क करना है, ड्रॉप यूज ड्रॉपर यूज करेंगे, ड्रॉपर से सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफर करेंगे, वाटर को मतलब डिस्टिल वाटर को इसमें डालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन रेडी हो गया, दैट इज माय ऑक्सैलिक एसिड, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट पार्ट हम